हाय एवरीवन, फिर से आप सबका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने YouTube वीडियो पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप लोग भी अपने YouTube चैनल पे गलत तरह से वीडियो अपलोड करते हो तो आप कितना भी वीडियो अपलोड कर दीजिएगा लेकिन आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा। और मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप वैसे करके अपने वीडियो को अपलोड करोगे तो 30 से 40 वीडियो डालोगे वैसे आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। वीडियो जो है सर्च लिस्ट में जाएगा, आपका वीडियो सर्च से भी व्यू आएगा और YouTube रिकमेंड करेगा वहां से भी व्यू आएगा। तो मैं आज इस वीडियो में पूरी स्टेप के साथ बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करने का तरीका जान लो, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। अपना YouTube अकाउंट ओपन कर लेना है, उसके बाद अपना YouTube के लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टर्न ऑन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका जो कैटेगरी का वीडियो है वो कैटेगरी का आपको सर्च करना है, ताकि आपका वीडियो अगर कोई सर्च करे तो आपका वीडियो फर्स्ट पर रैंक करे, ताकि वहां से आपका वीडियो अगर फर्स्ट पर रैंक करेगा तो वहां से आपका वीडियो पे व्यूज भी आएगा और सब्सक्राइबर भी आएगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि शॉर्ट्स वायरल कैसे करे, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे डालता हूँ SHORTS शॉर्ट्स वीडियो, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है शॉर्ट्स वीडियो वायरल कैसे होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सर्च यही कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये कैसे करना है ताकि आपको वीडियो सर्च में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टाइटल को सबसे ऊपर रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जितना भी सर्च आ रहा है इसको आपको कॉपी करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट टाइटल हुआ ये आपको टाइटल में डालना है। जैसे यहाँ पे देखिए इस टाइटल को आप कॉपी करते हैं और यहाँ पे आपको मोबाइल में नोट पैड होगा, ठीक है, नोट पैड में आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अपना नोट पैड ओपन करता हूँ, नोट पैड यहाँ पर रखा हूँ। उसके बाद आपको ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और टाइटल में डाल देना जो अपने टाइटल जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइटल को आपको टाइटल में डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं उस टाइटल को हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये वाला मेरा फर्स्ट टाइटल हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके टाइटल हो गया ये मेरा फर्स्ट टाइटल। उसके बाद ये जो भी टाइटल आया आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको आप ये डाल सके। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये सब मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल, ताकि ये भी अगर कोई सर्च करेगा तो आपका वीडियो फर्स्ट पे रैंक करेगा। उसके बाद एक और टाइटल सर्च कर रहा है YouTube शॉर्ट्स बूस्ट, ठीक है, ऐसे होगा, ये भी एक टाइटल होगा। आपको अपने टाइटल में कम से कम दो टैग डालना है ताकि वहां से अगर कोई सर्च करे तो आपका वीडियो फर्स्ट पे रैंक करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये भी मुझे अपने डिस्क्रिप्शन में और टैग में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले टाइटल को भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी करके और इसमें हम फिल कर देते हैं यहाँ पे जो टाइटल में। ठीक है, उसके बाद दो टाइटल आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है ऐसे करके और उसको भी यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेव कर लेना है। अब बचा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये तो मेरा टाइटल हो गया वीडियो का और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लेना है। तो वो सब डिस्क्रिप्शन में वो तो आप स्क्रीनशॉट लिए है तो आप नहीं तो आप उसको कॉपी पर लिख लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, या तो आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, आपको डाउनलोड कर लेना, जाकर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी से अगर कोई भी सर्च करेगा तो मेरा वीडियो वहां पे सजेस्ट करेगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले आऊँ मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं ले रहा हूँ उस वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी से मैं कॉपी करूं। ठीक है, यहाँ पे और पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने दो टाइटल को स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे फर्स्ट वाला को यहाँ पे ऐसे करके इसको भी कर लेना। ठीक है, ऐसे कर लेना, उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए हम लोग का एक कॉपी हो चुका है। अगर इस पर कॉपी करके तो जो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया वो कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम डिस्क्रिप्शन में इसको सबको डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन भी हो गया, उसके बाद आपको फिर वो भी एक और हम लोग स्क्रीनशॉट लेते उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐड आया हुआ है, ऐड को स्किप करते हैं हम। चलिए यहाँ पे उस फिर दो हमने स्क्रीनशॉट लिया था, एक को तो कर लिया और दूसरी का करना है। ठीक है, आप जितना भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, आप कोई भी सर्च कीजिए, आप उसके नीचे जितना भी आपको डिस्क्रिप्शन वहां पे YouTube ने सजेस्ट करा उसको आपको कॉपी करके अपने वीडियो में डालना है। ठीक है, तो मैंने दो ही डाला है, तो दो ही आप जितना मन करे उतना भी डाल सकते हैं, लगभग 5000 प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डन करते हैं
और इस वाले को भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको भी हम कॉपी कर ले, ठीक है, और बैक जाते हैं और फिर से इसको नोट पैड में हमको सेव कर लेना है, ठीक है। चलो इसको भी हम नोट पैड में सेव कर ले। अब यहां से आपको करना क्या है, आपको अब वीडियो में जाना, अपना यूट्यूब अकाउंट सही से ओपन कर लेना, ठीक है। बैक जाते हैं, नोट पैड मेरा सेव हो चुका है, टैग टाइटल स्क्रीन तो सब कुछ हो चुका, और यहाँ पे आप काम करना है वीडियो अपलोड। अब चलिए मैं वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ कि आगे सही तरीका क्या है वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। उसके बाद इसको बैक जाते हैं और इस पे क्लिक करके आपको टर्न ऑफ कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा सर्चिंग कंटेंट आज बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है, उस वाले प्लस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड ए वीडियो, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, अपना वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने वीडियो डाला है, ठीक है। तो चलिए मेरा यही वाला वीडियो 3 मिनट 41 सेकंड मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग को भी वीडियो बनाकर ऐसे कर लेना। उसके बाद ये वाला टाइटल का बात हुआ है, तो उस टाइटल को हमको कॉपी करना है जो हमने अपने नोट पैड में सेव किया, ठीक है। तो चलिए नोट पैड को ओपन करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं टाइटल का। टाइटल कॉपी हो गया और हम इसको अपने टाइटल में डाल देंगे, ठीक है, ऐसे हो चुका। और यहां से आपका बात क्या होता है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप जो टाइटल में डाला है उसको डिस्क्रिप्शन में भी डालना है, ठीक है, और टैग में भी। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जितना भी हमने कॉपी किया है इस डिस्क्रिप्शन को भी अपने वीडियो में डालना है। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉपी करते हैं और ये वाला को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए जो डिस्क्रिप्शन भी डाल चुका। उसके बाद बहुत सारे क्रिएटर हैं कि यहीं से अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो वहां से वैसे कभी करोगे तो वैसे आपका वीडियो कभी नहीं ग्रो होगा, क्योंकि YouTube खुद चेक करता है, YouTube वीडियो अपलोड होने से पहले चेक करता है कि आप वीडियो में टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या डाले हो, ताकि वो समझ पाए। अगर आप ऐसे करके डाल दोगे तो YouTube को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चीज पे वीडियो बनाए हो, किसके पास भेजा है। वैसे आपका कभी नहीं ग्रो होता चैनल, तो आपको पहले ही वीडियो अपलोड करने से पहले आपको टैग टाइटल सही से डालना है, ताकि YouTube को पता लगे कि ये वीडियो इसके इस टाइटल के लिए, ताकि YouTube आपको सर्च में भेजेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना थिम्बल ले लेना है। अगर आप थिम्बल बना लेते हो आपको थिम्बल को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे थिम्बल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने थिम्बल बना रखा है, यहाँ पे देखिए कहा गया, चलिए मैं यहाँ पे थिम्बल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं डन पे क्लिक। यहाँ पे शॉर्ट्स वायरल सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है, ऐसा मेरा जो एटी में पोस्टर में लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे अभी बहुत सारा आपको लिखने का ऑप्शन आएगा, और फर्स्ट वाले पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट्स वायरल सिर्फ 2 मिनट में, जितना आपका समय जितना हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट्स, अब हिंदी लिख देते हैं वायरल, ये हो गया। और उसमें उसके बाद यहाँ पे लिखना है सिर्फ 2 मिनट में, जो हमने जो अपने थिम्बल में लिख रहा है वो आपको टाइटल में भी डालना है 2 अंक। यहाँ पे हम डाल देते सिर्फ, मेरा इसमें है अभी सिर्फ 2 मिनट में, ऐसे करके हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे, ताकि एक टाइटल है जो हमारा अलग दिखे। ये पूरी तरह से हमारा जो टाइटल रेडी हो चुका है, कोई इमोजी भी इसमें डाल सकते हैं ताकि अच्छा दिखे और वीडियो सजेस्ट करे, ठीक है। यहाँ पे ऐड ये डाल दिया और यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अगर कोई वीडियो देखे तो आपको टैग टाइटल अगर थिम्बल अच्छा दिखेगा तो क्लिक करेगा, अगर क्लिक रेट बढ़ता है तो आपका वीडियो वायरल होता है। तो इसको हम कर लेते कॉपी। उसके बाद हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे सबसे ऊपर, ठीक है, ऐसे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया, इसको हम कर लेते कट, ठीक है, इसको कट कर लेते। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इसका कुछ रेडी हो गया, आपने से बड़े जो आप कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको उनको इसमें टैग कर लेना। जैसे हम मनोज दही का टैग करना चाहते हैं, मनोज दही का टैग करेंगे ताकि उनके सजेस्ट में हमारा वीडियो जाए, ठीक है, मनोज दही। मैं चाहता हूँ कि इनके वीडियो के नीचे इस वीडियो को दिखाया जाए, ठीक है, और कोई उनका वीडियो देखता तो उसके नीचे आपका वीडियो सजेस्ट होगा, तो वहां से आपका व्यू भी आएगा और वीडियो वायरल होने का भी चांस रहेगा। तो मैं एक और बंदा का सर्च करता हूँ, क्रिएटर सर्च हो गए, एक्टिव राहुल हो गए, एक्टिव राहुल ऐसे हो गया, और एक और सर्च कर लेते हैं टिक चैंपियन सपोर्ट, ठीक है, ताकि अच्छा वो भी वीडियो बनाते हैं। योगी भी सर्च कर लिए और टिक चैंपियन सपोर्ट, ऐसे आपको 4-5 क्रिएटरों को आपको यहाँ पे
टैग करना है ताकि उनके वीडियो के नीचे आपका वीडियो देखे। ये काम होने के बाद आपको एक और काम करना क्या है, आपको हैशटैग डालना है, आपको वीडियो के आपके वीडियो के रिलेटेड आपको हैशटैग डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे हैशटैग आपको डालता हूँ, हैशटैग डाल देता हूँ शॉर्ट्स वायरल कैसे करें मेरा वीडियो है, तो यहाँ पे लिखे शॉर्ट्स, ठीक है वायरल, ठीक है ऐसे करके ये मेरा हैशटैग हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और डालते हैं शॉर्ट्स, ये हो गया। उसके बाद एक और डाल देते हैं, मैं अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ, सबको अपना चैनल का नाम ही डालना है, ठीक है जब भी आपको वीडियो अपलोड करना है अनलिस्टेड करके ही डालना है। तो चलिए हम वीडियो का यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अब चलिए वीडियो को करते हैं अपलोड। उसके बाद आपको बहुत चीज करना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पे हमारा देखिए वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, अभी आपको बहुत चीज उसमें करना पड़ेगा ताकि आपका वीडियो वायरल हो। तो हम लोग का यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुका है, उसके बाद आपको करना क्या है अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करते हैं और उसमें आपको अभी बहुत सारा काम करना है ताकि तभी आपका वीडियो वायरल होगा, ठीक है। उसके बाद हम उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं जिस वीडियो को हमने अभी अपलोड किया था, यहाँ पे देखिए उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने जो सोशल मीडिया का अगर लिंक भी डालना चाहते हैं तो वहां से आपको डालना है, तभी आपका वीडियो पे बूस्ट मिलेगा, ठीक है। सोशल मीडिया का लिंक भी अपने वीडियो में डालना है, ठीक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने सोशल मीडिया का लिंक, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं। और इसमें देखिए मैंने बताया सब्सक्राइब, मैंने अपना एक वीडियो को भी लिंक दिया है और यहाँ पे मैंने अपना सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक भी दे दिया हूँ। और स्पॉन्सरशिप कोई करना ना चाहता तो यहाँ पे भी मैसेज कर सकता है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया और यहाँ पे डालता है ये मेरा टैग है, ठीक है TAGS टैग्स, ठीक है ये मेरा टैग्स है, सब कुछ मेरा डिस्क्रिप्शन डालकर तैयार हो चुका। उसके बाद आपको करना क्या है, अब बात रहा आपको वीडियो में टैग डालने का, टैग कैसे डालना है वो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको टाइटल को फर्स्ट को आपको कॉपी करना है, फर्स्ट अपने टाइटल को फर्स्ट को कॉपी करना है, फर्स्ट टाइटल को, और यहाँ पे इसको कॉपी करके अपने टैग में डालना है, ठीक है। पहले अपना नाम डालना है अपने चैनल का, ठीक है ताकि वहाँ से कभी अगर कोई वीडियो वायरल होता है उसके सजेस्ट में सारा वीडियो चले, ठीक है। मैं अपने चैनल का नाम डाल लेता हूँ, उसके बाद अपने जो वीडियो का टाइटल रखा है उसको आपको टैग में भी डालना है। तो यहाँ पर मैंने अपने टैग को डाल दिया और उसके बाद हम दूसरे का दो टैग हमने डाला था तो दोनों टैग को हमको डालना है यूट्यूब शॉर्ट्स बोर्ड, ठीक है। उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं और इसको भी हम अपने टैग में डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और हमने शॉर्ट्स वायरल सिर्फ दो मिनट में, ठीक है इसको भी कॉपी करना है और अपने टैग में डाल देना, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने सबको डाल दिया अपने टाइटल को, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में है वो टैग में होना चाहिए, तभी आपका वीडियो पूरी अच्छी तरह से अपलोड होगा, तभी आपका वीडियो पे बूस्ट मिलेगा, आपको वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कॉपी कर लेते हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे डाला था यहाँ पे नोट पैड में हमने सेव किया था डिस्क्रिप्शन को, उसको हमको कॉपी करना है, ठीक है और अपने टाइटल में टैग में डालना है, ठीक है। तो ये वाला मेरा हो गया और मैं ऊपर से लगभग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है और जितना उसके कॉपी कर लेता हूँ जितना उसमें आप में टैग में ऐड है उतना आपको डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं बारी बारी से एक एक को डालता हूँ, ठीक है ऐसे चल गया और इसको कट करेंगे, एक मेरा टाइटल हो गया, ठीक है शॉर्ट्स ये हो चुका है मेरा। तो दूसरे का हम लोग डालेंगे शॉर्ट्स वायरल कैसे करें 2023, ये हो गया पाल का। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और चलो शॉर्ट्स वायरल 2022 ये भी डाल देते हैं ताकि ये लोग ज़्यादातर सर्च करें। उसके बाद डालते हैं शॉर्ट्स वायरल कैसे होगा, ठीक है इसको भी हमने टैग डाल दिया। उसके बाद हम डालते हैं मनोज दे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे डालते हैं शॉर्ट्स वायरल कैसे होगा फ्री में, फ्री फायर का इसमें लोग डाले हैं, ज्यादा लोग सर्च करें तो इसको भी आपको डाले ताकि हम चाहते हैं कि कोई भी सर्च करे तो मेरा वीडियो फर्स्ट पे रैंक करे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके आपको तीन चार जितना भी हो सके आपको यहाँ पे अपने जो डिस्क्रिप्शन में डाला है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपको बैक जाना है, ठीक है आपको बैक देना जितना भी आपको टैग डाला है ताकि ये लगता है कि अगर एक बंदे सर्च करते हैं उसको आपको अपने टैग में डालना है। टैग में डालने के बाद आपको कर लेना है सेव पे क्लिक। उसके बाद आपको मैं बहुत अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप मोनेटाइजेशन को भी वन कर लेना,
यहाँ पर जैसे मैं मोनेटाइजेशन का भी ऑन कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो देखे वो ऐड भी देखे ताकि आप पैसा कमा पाए। उसके बाद इस पे भी सेव करना है, उसके बाद ये आपका नोट फॉर्मेट क्लिक होना चाहिए और आप अपने वीडियो को कब अपलोड करोगे ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जब हो चुका तो आपके चैनल पर देख रहे हैं कि आपके चैनल पे ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं ठीक है। तो मेरे चैनल पे यहाँ पे मैं आप पर दिखाता हूँ, एनालाइज करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कि मेरे चैनल पे ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कंटेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑडियंस का ऑप्शन है, ऑडियंस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा जो ऑडियंस है जो 2 बजे ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं और 6 बजे, तो मेरा टाइमिंग है डेली 6:05 पे अपलोड कर दो। आपको भी एक टाइमिंग बनाना है और डेली एक ही टाइमिंग पे आपको वीडियो को अपलोड करना है, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। और डेली आपको अपने चैनल पे काम करना है, अगर 1 मंथ अपने चैनल पे काम कीजिएगा अगर डेली, तो आपका वीडियो वायरल जरूर होगा। तो आई होप कि अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।